How schools waste your time. See, in class 9-10 especially, I think this is very applicable for classes 9 to 10. Now from pre-nursery to class 8, okay, you do various activities in school, so on, you read some subjects and okay, chalo, chalte hai. Lekin 9-10 se aapka seriousness shuru hona chahiye. Ab school mein, class 9 mein jo subjects hai, dekhiye. अब आप अगर थोड़े से अच्छे स्टूडेंट्स हो तो 9-10 का जो मैथ और साइंस है आप एक साल में ख़त्म कर पाओगे. तो 9-10 का आप ख़त्म कर दिए, 10 में आप 11 पढ़ो, 11 में आप 12 पढ़ो, और 12 में आप पूरा ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन है, JEE या तो नीट, पूरा फिर से 11-12 रिवाइज करो, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको आराम से लग जाएगा. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्हें नहीं पता, बहुत सारे पिता माता जिन्हें नहीं पता, वो सोचते हैं कि वो 9-10 का मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है वो है, और 9 का वो जो चीज़, 10 का वो जो सब्जेक्ट, तो पढ़ते ही रहते हैं. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ़ अ गुड स्टूडेंट इज़ नॉट चैलेंज्ड, इज़ नॉट पुश्ड टू द लिमिट्स, कि वो उसे पता तो चले कि हमारा लिमिट क्या है, उसे पता तो चले कि हाँ मेरे अंदर इतना शक्ति है कि मैं इतना कुछ कर पाऊँगा, उसको पता तो चले. ये 9-10 का जो सब्जेक्ट्स है, जो सिलेबस है, ये आपको चैलेंज नहीं करता, ये एक अच्छे स्टूडेंट को चैलेंज नहीं करता है, इसे मैं तो कहूँगा इसे वीक बना देता है. ये जो पूरा सिलेबस है क्लास 9 और 10 का, ए सिलेबस विच कैन बी कॉम्प्लीटेड इन 1 ईयर, ये लोग 2 साल से घिस रहे हैं. एंड देयर आर सम सब्जेक्ट्स लाइक से सोशल साइंस, ज्योग्राफी एंड अदर आर्ट सब्जेक्ट्स, यू नो, ये पढ़ के फ़ायदा क्या? सोशल साइंस पढ़ के ये लोग तो कुछ बना नहीं पाएंगे. हाँ, दे कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग, सिर्फ थ्योरी 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 है जो कभी भी काम पर तो नहीं लगता. और भी जो सब्जेक्ट्स है ये तो काम पे भी नहीं लगता ना, तो क्यों पढ़ाते हैं ये सब? ये पता नहीं, किसी को पता नहीं, लेकिन पढ़ाते हैं. लेकिन अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हो, प्लीज़ डमी स्कूल पे जाओ, 9 में आराम से पास करो. पास करने का है बस, 70% पाओ, 65% पाओ, जो भी है, मैथ साइंस को ठीक रखना, जस्ट मैथ साइंस को ठीक रखना. 10th में आराम से 11 करो, आराम से करो, आराम से, और 11 में आराम से 12 करो. और पूरा चीज़ ये डमी स्कूल जाके करना है, मतलब स्कूल में नहीं जाना है, कोई कोचिंग जाके करना है, क्योंकि स्कूल में ये लोग आपका टाइम ही वेस्ट करेंगे, गारंटी. बहुत सारे का वेस्ट हो चुका है, इसीलिए तो देखिए ना इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो चीज़ स्कूल में सीखते हैं उसका कुछ एप्लीकेशन ही नहीं है, सिर्फ थ्योरी 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 थ्योरी. तो इसीलिए आप लोग डमी स्कूल में जाइए, 9-10 वैसे ही कर लीजिए, 10 में 11, 11 में 12 कीजिए, 12 में पूरा कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कीजिए. और अगर आप उतना अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हो तो 10th पास करके जो एग्ज़ाम है गवर्नमेंट, जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है.